इस वीडियो में हम माइटोकॉन्ड्रिया पावर प्लांट ऑफ द सेल के ऊपर फोकस करेंगे। हम मेनली समझेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्या फंक्शन है और वो क्या दिखता है, उसके अंदर ये ओल्ड है वो क्यों है, ये सब चीज़ें हम समझेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। हाँ, तो शुरू करते हैं। हम माइटोकॉन्ड्रिया के पास चलते हैं थोड़ा, इससे कि हम इसको अच्छे से देख सके। पहले हाँ, तो हम आ गए हैं उसके पास। आप ये देख सकते हैं ये सारे फोल्ड्स क्यों हैं। ये सारे फोल्ड तो माइटोकॉन्ड्रिया के यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बार थोड़ा सा मार्क करके दिखा देता हूँ, जिससे आप समझ जाएं कि मैं किसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रहे, ये जो फोल्ड्स हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ये इसमें जो फोल्ड्स दिए गए हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ये किस लिए हैं। ये सारे फोल्ड्स जो माइटोकॉन्ड्रिया में दिए गए हैं, ये इसलिए हैं जिसके इसके अंदर जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है, यानी कि जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है, इसको आप समझने के लिए मेरा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है। इसके अंदर एक बेसिकली एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, इसमें एटीपी बनता है। हाँ, तो मोर एटीपी प्रोडक्शन के लिए इसमें ज़्यादा फोल्ड दिए गए हैं, क्योंकि एटीपी प्रोडक्शन जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा तो एटीपी प्रोडक्शन होगा। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा मिलेगा केमिकल रिएक्शन के लिए उतना ही ज़्यादा एटीपी प्रोडक्शन होगा, इसीलिए इसमें ज़्यादा फोल्ड्स दिए गए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर प्लांट ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी और डिटेल बताने वाला हूँ। हाँ, तो शुरू करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर प्लांट ऑफ द सेल। दे कन्वर्ट शुगर इनटू एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी एंड एंजाइम रिलेटेड टू सेल मेटाबॉलिज्म। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर प्लांट कहा जाता है उसको सेल का। वो जो शुगर होता है उसको एटीपी में कन्वर्ट करते हैं, और एंजाइम जो मेटाबॉलिज्म को जिनकी जरूरत होती है उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया यूजुअली इन दैट दे आर और उनके पास खुद का डीएनए जीनोम होता है, मतलब वो खुद का डीएनए जीनोम होता है। सेल से उनका जीनोम डिफरेंट होता है, उनके पास खुद का एक डीएनए जीनोम होता है। देखिए कितनी बड़ी बात है, खुद से खुद का उनका डीएनए जीनोम होता है सेपरेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद डिवाइड कर सकते हैं अपने आप को, एक सेल में एक से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकते हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया तो कम से कम हर सेल में होगा ही, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा थाउजेंड्स में भी हो सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में। कई सेल्स में होते हैं जहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि वो खुद डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, इसमें यही लिखा हुआ है, दे ऑल्सो कैन डिवाइड इंडिपेंडेंटली ऑफ द सेल इन विच दे रेसाइड। Meaning that mitochondrial replication is not tied to cell division. मतलब mitochondrial जो replication होता है वो cell division से उसका संबंध नहीं है, उससे बंधा नहीं हुआ है। The number of mitochondria found in the cell varies by the type of the cell. जो number of mitochondria find होते हैं cell के अंदर जो पाए जाते हैं वो cell के type से differ करते हैं। More mitochondria जिस सेल को ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है उसमें मोर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। द मोर एनर्जी अ सेल नीड्स द मोर माइटोकॉन्ड्रिया इट विल हैव। मैनी सेल कंटेन ओनली वन माइटोकॉन्ड्रिया, ज़्यादातर सेलों के पास एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जबकि कुछ सेलों के पास वेल मैनी सेल कंटेन एज मैनी एज सेवरल थाउजेंड माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनमें सेवरल थाउजेंड माइटोकॉन्ड्रियाज पाए जाते हैं। हाँ, तो ये वीडियो हो गया, आपको अच्छे से माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन समझ में आ गए होंगे। पावर प्लांट होता है सेल का, पूरी एनर्जी रिकॉर्ड यहीं पर होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।